बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी से हालात बेहद खराब हो गए हैं और रविवार को लू लगने से 112 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सबसे अधिक मौतें औरंगाबाद, नवादा, पटना, पूर्वी बिहार, रोहतास, जहानाबाद और भोजपुर जिले में हुई है। लू लगने से पिछले दो महीने में 173 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। गया, नवादा और औरंगाबाद के अस्पतालों में 300 से ज्यादा मरीज भर्ती करवाए गए हैं। नए मरीजों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। अकेले गया जिले में रविवार को 28 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लू से मरने वाले ज्यादातर लोगों में 60 साल से अधिक उम्र के लोग हैं। लू से इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौतों पर राज्य सरकार हरकत में आई है। बिहार सरकार ने सभी प्रभावित जिलों में मरीजों के लिए अतिरिक्त डॉक्टरों की तैनाती की है। इसके अलावा गांवों और शहरों में पीने का पानी पहुंचाने के लिए अतिरिक्त टैंकर लगाए गए हैं। इस बीच लू प्रभावित इलाकों में अगर डॉक्टर हड़ताल पर रहते हैं तो मरीजों की मुश्किल और बढ़ सकती है। हालांकि डॉक्टरों ने अभी आश्वासन दिया है कि वे मरीजों का इलाज करेंगे। मौत की वजह ब्रेन में ग्लूकोज की कमी बताई जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक लू पीड़ितों को पहले बेचैनी हो रही है और उसके बाद वे बेहोश हो जा रहे हैं, फिर आधे से दो घंटे के बीच उनकी मौत हो जा रही है। बताया जा रहा है कि मौत की वजह ब्रेन में ग्लूकोज की कमी है। डॉक्टरों ने खून पानी की सलाह मरीजों को दी है। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि सभी मृतकों के परिजनों को अनुग्रह अनुदान राशि मुहैया करवाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक औरंगाबाद में रविवार को अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 7 डिग्री सेल्सियस अधिक था। यहाँ पर सोमवार को भी गर्मी से निजात नहीं मिल पाई है। राजधानी पटना में शनिवार को अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 2009 के बाद पिछले 10 वर्षों में रिकॉर्ड को पार कर गया। पटना शहर में लगातार इस तरीके के तापमान से लोग परेशान हैं। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 31.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.2 डिग्री अधिक है। भीषण गर्मी को देखते हुए पटना में 19 जून तक के लिए सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मानसून के 22 से 23 जून तक आने की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि लगातार दो दिनों तक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किए जाने पर हीट वेव घोषित किया जाता है। बिहार में अन्य जिलों गया, भागलपुर और पूर्णिया में शनिवार को अधिकतम तापमान क्रमशः 45.2 डिग्री सेल्सियस, 41.5 डिग्री सेल्सियस और 35.9 डिग्री सेल्सियस रहा था। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 22 से 23 जून तक आने की उम्मीद है। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए शशि प्रयास सिंह की रिपोर्ट।